फ्रेंड्स, मैं मनोज। जो आप देख रहे हैं एमकेएस ट्यूटोरियल, इस वीडियो में M1 सीरीज का जो आपको चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला। ये क्वेश्चन इस टॉपिक से बिलोंग करता है, ये इस वीडियो सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका हम कैसे निकालते हैं रिडक्शन फार्मूला। तो फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan x पावर n dx। पहले गिवन लिख लीजिए आप, जो आपको दिया हुआ है I n equals to integration of tan x power n dx। यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, tan x n minus 2 tan x square dx। यहां पर देखिए मैंने क्या किया, यहां पर स्क्वायर टर्म को बाहर निकाल दिया। तो यहां पर अपना क्या आगा, स्क्वायर आएगा, तो यहां अपना क्या बन जाएगा, पावर n minus 2 हो जाएगा। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। ये टॉपिक में रिडक्शन फॉर्मूला में कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऑलमोस्ट 80-90% मिलेंगे जहां पर इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई होगा, बट कुछ ही ऐसे क्वेश्चन जहां पे इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई आपको नहीं करना है। तो ये उनमें से क्वेश्चन है। तो देखिए, तो सॉल्व कैसे करेंगे, फिर tan x पावर n माइनस 2, इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं sec स्क्वायर x माइनस 1, फिर यहां पर क्या आएगा आपका dx आ जाएगा। आपको पता होगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो ये वहां से आए। ओके, अब इसको स्प्लिट कर लीजिए, अलग अलग कर दीजिए, tan x पावर n माइनस 2 sec स्क्वायर x dx माइनस tan x पावर n माइनस 2 दिस इज dx, दिस इज व्हाट, दिस इज I n। अब देखिए tan x पावर n माइनस 2 sec स्क्वायर x dx माइनस, अगर ये I n है तो ये अपने क्या हो जाएगा, I n माइनस 2, यहां पे लिख लीजिए फ्रॉम 1। अब ये कहां से है आपका, यहां पे लिख लीजिए इक्वेशन 1 है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, यहां पे पुट tan x इक्वल्स टू t, तो यहां पे sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt आपका हो जाएगा। तो I n जो है देखिए क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या है t, तो t के पावर n माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस होल इज dt dt माइनस I n माइनस 2। ओके, इसको इंटीग्रेट करना है, तो t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस I n माइनस 2 t की वैल्यू आपका यहाँ पे t क्या बताइए, tan x है, तो दिस इज tan x पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस I n माइनस 2, ये आपका क्या होगा, I n हो जाएगा, और यही अपना क्या हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। यह रिडक्शन फॉर्मूला किसके लिए जाएगा, tan x पावर n के लिए जाएगा। और जो लॉजिक मैं इसके लिए सॉल्व किया, जो लॉजिक tan के लिए सॉल्व किया मैं, वही लॉजिक किसके लिए लगेगा, cot के लिए लगेगा। मतलब cot का आप जैसे निकालेंगे, cot x पावर n निकालोगे, तो उसका ऐसे कुछ मिलता जुलता बनेगा, लेकिन लॉजिक क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, है ना। वहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई नहीं होगा। तो बस आपको मैं लिख दूंगा आंसर, बता देता हूं अभी कि इसका आंसर कितना आएगा, उसका कोशिश करिएगा खुद से निकालने के लिए। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स पावर एन का अगर आप रिडक्शन फॉर्म में निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2। इसको निकालिएगा बिल्कुल उस लॉजिक से जैसे मैं निकाला फिर टेन के लिए, और बहुत ही सिंपल है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही है, थैंक यू।